सगी भी टेंटर भी खान बाबा भी बाची गुलबरकला सेंटर वाले मामू नासर सारिया छत्ता दी मैं अलहमदुल्ला सारे जित लिया इको बार बंद मेरी सत्त उड़ी पंजी बारी सारे फार गए किसान इको ना मेरी सत्त उड़ी मामू नासर मतलब करीज नहीं साफ करते असं किसी यखनी यखनी बना के व्डे पा पैंती पानी एक दो बारी आटा गुन के रोटी पानी मैं कहना कबूतर गंजे हो जाते साफ ही बन हो जाते हैं। अच्छा यखनी वाले पाने हाँ ए, थोड़ा ए, समझाओ करीज नहीं साफ कर रहा हाँ समझ लो कि मैं आते गई है जो जेठ उठता सी उदो मैं अखीरला जेठ को जो जितिया गोगी मंडी वाले को नाल छाते गई थी उत्थे लब्बा माहौल हैगा सी मियां सईद दी असद हाँ पिपलों ना उड़ान आया कबूतर इन्होंने। अच्छा मैं इन्होंने चौका मारता सी वाह वाह जिंदा सिंह की हाल चाल है तमाम दोस्तों का मैं थोड़ा सज्जन तो मित्र अरबाज सादिक अज असी एक पुराने मॉडल के उस्ताद को मौजूद है माशाल्लाह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उस्ताद ने लाहौरी उस्तादा दे विच पुराने अज शुमार है उस्ताद महमूद उर्फ मुदा भट्ट माशाल्लाह सारी जिंदगी कबूतरबाजी वक्फ कर दी थी और बड़े ही कमाल के रिकॉर्ड्स इन्होंने अपनी सारी जिंदगी बनाए ने और बाजिया के बड़े वड्डे शौकीन रहे ने थड़े दियां बाजियां दे पैकेज दियां बाजियां जड़ियां लगदियां सी पुरानियां और माशाल्लाह 99% 95% इन्हां दा रिजल्ट रहा और लाहौर च पुराना ऐसा कोई कबूतरबाज या सियालकोट च कोई ऐसा पुराना कबूतरबाज नहीं जिहड़ा उस्ताद मुदे भट्ट नूं नहीं जानदा माशाल्लाह नामवर शख्सियत ने और कबूतर नूं बनाना कबूतर नूं उड़ाना कबूतर नूं तैयार करन दे वी बादशाह हैगे ने कबूतर की पूरी सैटिंग जानते ने संभाल और खुराक और थकावा हर शह मतलब कि कबूतरबाजी के लिहाज ना ना मुकम्मल है और अगर ब्रीडिंग वाले पास ये तो उस्ताद न उधर भी कम लाता है उधर भी मुकम्मल कबूतरबाजी जो एक पूरा प्रोपर पैकेज हों कबूतरबाजी का उन्होंने समझते ने वेखते ने और उन्हें उस्तादी की हैसियत रखते हैं तो अज इन्हों को मौजूद है कि इन्हों का प्रोपर इंटरव्यू करावे कबूतर का शो करवावे इंशाल्लाह तुहानू भी बड़ा कुछ सीखने मिलेगा सानू भी सीखने मिलेगा उस्ताद रियाज पार्टी ने इन्हों का ताल्लुक है पुराने उस्ताद ने सीनियर उस्ताद ने और मेरे हिसाब से चंद एक पुराने उस्तादों के विच इन्हों का रह गए ने जिहड़े पुराने उस्ताद से माशाल्लाह 1970s इन्होंने कबूतरबाजी स्टार्ट की हुई है तो स्टिल हले तिकर आप तो नहीं होने डाँदे लेकिन शागिर्दां शागुर्दां के पिछे इन्हों का ही हाथ है तो चलिए उस्ताद हुणां नाल गुफ्तगु दा आगाज़ करिए अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम जी की हाल चाल है उस्ताद जी अल्लाह का बड़ा आसान जी मालक की बड़ी करनी उस्ताद जी 1970 के लगे हुए हो बिल्कुल 2024 आ गया की वेख्या कबूतरबाजी की खटिया एक ठरक सी एक शौक सी जी उन्हें लैके तुरे हैं शौक भी अच्छा किया और अपने बच्चे भी अच्छे तरीके पाले ने शौक नूं शौक तक रखे है काम नूं काम ना रखे शौक सारी जिंदगी करते रहे यह नहीं कि काम छड़ के शौक ही करते रहिए लेकिन अपने बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ाए लाने सारे बच्चे MA AA ने LLB ने कर शौक भी अपना सही रखे दो भरा तुहाडे नाल बैठे ने तारफ ते करवाओ ये मेरे शागिर्द ने ये मेरे दोस्त ने सारे रियाज पार्टी ना तुहाडा ताल्लुक है हाँ बिल्कुल मैं शुरू तो ही इस पार्टी ना मुंसलिक हाँ शुरू में पहले दिन ही सारे रियाज पार्टी साल बशीर सैंडो का शागिर्द होया सा उन्होंने मैं 73 च पग बन्नी सी 70-71 शागिर्द है तिना साल बाद ही मैं ये मूछे दाली जो मैंने उस्ताद ना आता क्योंकि उदो भी मैं बचपन ही वड्डे वड्डे जिहड़े खरतैंज कबूतरबाज ने बाऊ शमज पार्टी के उस्ताद रहमत होया उस्ताद फीए होया छोलियां दा होया खलील छोलियां दा शालमी चौंक मेरिया जीरा गुजर होया ग्वाल मंडी वाला मेरिया बाजिया इन्होंने उड़ दी सर और अलहमदुल्ला मैं इज्जत दिता है क्या बात है शुरू तो थोड़े ना बाऊ शमज पार्टी के उस्ताद ही बाजिया उड़ दी रही थड़े दाजिया नहीं पैकेज ज्यादा लगती है देखो जी मैं इन्होंने थड़े दियाँ लाना हाँ एक बार इन्होंने मेरे पंज भी ला लिया इन्होंने मैंने टुंडे के फाटक छत देती अल्लाह ने मैंने भी इज्जत देती मेरे शाम शाम ही कूकर बैठे ने 7-7 बजे 6-6 बजे सही गल है वह भी मैंने को जित ली मेरिया जो मैं उस्ताद हो फिर मेरी उस्ताद फिर उन्होंने सत्त उड़िया ने उस्तादी बाजिया उन्होंने इतने मकबरे सामने लैणा तो रखे सन मैं उदो भी इन्होंने जित लिया अल्लाह ने मैंने इज्जत देती तो मेरिया उस्तादी बाजिया भी पक्या हो गई उस बाद फिर चल सो चल जो कोई प्यारा आया तो ताव उड़ाई दी सत्त आया तो ताव उड़ाई दी शौक करते रहे बेसिकल बंद ज्यादा बैक शौक जो मैं सत्त
टेटल सत्त उड़ाइया उदो हुए मैं बनते जाके छत बनाई है शर्म मुरली ना की वो छत हुए मैं शौक करना सा 2091 की गल है जो मैं छत बनवाई है तो 92 जी कबूतरबाजी तो शुरू करती सी अल्लाह ने मैं इन्नी इज्जत दी उदो मैं मेरा 16 छतों का पैकेज लग गया खान बाबे नाल ही इन्होंने मैं सारिया छत्त अपन पार्टी दियाँ देती अल्लाह मैं उन्होंने कहा मैं कहा यार मेरा जराना दुसान है मेरी ताड़ी बाजी नहीं बनती तू मेरा साहब है मेरा दोस्त मेरा छोटा भरा है उन्हें कहा नहीं उस्ताद जी मैं तो लानी नहीं वह मुंडा कमाला कमाला बहर होया उन्हें धाना बाजी लानी है उन्हें मैं अपन 16-15 छत्त देती सारी पार्टी दखी सखी भी डेंटर भी खान बाबा भी बाची गुलबरग वाला सेंटर वाले मामू नसर सारिया छत्त दती मैं अलहमदुल्ला सारे जित लिया इको बार बंद मेरी सत्त उड़ी पंजी बाजी सारे फर गए किसान इको ना मेरी सत्त उड़ी मामू नसर न सतवीं बाजी आके मेरे 3-3 कबूतर बैठे सन तो मैं उन्होंने जित लिया सही गल अच्छा पुराने कोई 20 साल पिछले चले गई 2-3 बजे की गेम होंगी सी नहीं साढ़े 5-6 भी 7-7 भी बैठे ने अच्छा कोई गल नहीं कबूतर साढ़े अच्छी पैदा मेरे को कबूतर है सन मैं कोई कराची को लिया सर मैं ना 6-6 रखे फिर वो मैं कोई पीर चकरी को लिया मेरा दोस्त है हालांकि बहुत समझ पार्टी का पीर चकरी हाँ जो मेरे ने जोड़े बनवाए ने तो मैं कबूतर मेरे को लाल जे बने उन्होंने मैं संघ चूड़ा ना रखिया मेरी छत उड़ते हैं फिर मैं कराची गया उतो लाल खाले कबूतर लिया उन्होंने नाम कोबरे रखे मेरे को अजी अलहमदुल्ला कबूतर है मेरे को जेड़ी शाम तक पैदे रहे ने मैं वाडा शौक किया मेरे अल्लाह की मेहरबानी मन मालिक इज्जत दिता सी शौक मेरा पूरा हो जाता सीखे सिखाए अपने उस्ताद को मैं अपने उस्ताद को आई जी भवन मेरा यानी कि सीनियर है वो मेरे नाल होंगे 24 घंटे मेरा 40-45 साल का जुट है असं दोवें कट्ठी शौक करने स जी छत भी किया कट्ठे ही किया मेरे घर भी आंदा सी असं कट्ठी करने स यानी कि सलाह मशवरे ना असं कबूतर च उड़ाने स ऐ नहीं कि वह कला आवे तो अगर उड़ा ले या कोई वादा घाटा करे मैं कोल बहना हाँ या मैं घरों लैके जाता ही नाल छत इजी पलवान इजी उस्ताद इजहार सैन और इजी पलवान अच्छा तुहाड़े बाजियां उन्होंने लौट दियां रही चोरी माशाला जेते भी रहे हो हरदे भी हो हर भी हर भी तो यह तो पार्ट ऑफ द गेम है ज्यादा फस के तुहाड़े ना केड़ा उठता हुंदा है देखो जी जो मैं बच्चा सा ना उदो उस्ताद रहमत नवी नवी छत लै आंदा सी फिर एक छाननिया ला आंदा सी राजा छाननिया ने इब्राहिम लौट दिते उदो को मैं 2-3 सीजन जिते हैं प्यारे वो मेरे ना प्यारे लाते हैं वो मालक मन इज्जत दे दिंदा सी अल्लाह ने बचपन बड़ी इज्जत दी कबूतरबाजी से तो वे हो फिर मालक ने उसको ज्यादा इज्जत दी फिर मैं साथी उड़ाइया फिर एक बार मैं गोगी मंडी वाला कह लगा वह उस्ताद सी उन्होंने सलीम कुआं कुआं कहें सन वो मैंने कह लगा यार 6-7 साल हो गए थले हर दे जेठ साढ़ा 4 तुआरा ला लै ला ला यार 4 तुआरा लग जा गल है 4 तुआरा जित लाल मीए सही की छत हैगी है जो जेठ उठता सी उदो मैं अखीरला जेठ को जो जीती गोगी मंडी वाले को नाल छत है कि उत्थे लब्बा माहौल है मीए सईद की असद हाँ पिपलों का उड़ान आया कबूतर इन्होंने अच्छा मैं उन्होंने चौका मारता वाह वाह पैसे भी लादा नहीं सी कहता 5 किलो मठियाई असद हाँ कह लगा बड़ी पोसकी पुसकी पा के बैठा मैं कहा नहीं यार पैसे ला 5,000 बाद 5,000 आया गोगी ना मेरा बड़े तगड़े पैसे लगते 20-30,000 50,000 गोगी मेरे को कभी नहीं जितया उन जितना नसीब नहीं सी 6-7 साल जेठ में थले लगता रहा तो जो 4 प्यारे मैं कहना मैंने 50,000 दे 4 प्यारे ला मैं कहा लग गई यार वो बी सही कह लगा मिलना भी ला मैं उन्होंने भी 4 तुआ 4 पाती प्लेयर दो भी बड़े अच्छे दोनों जित लिया 4-4 तुआ जित लिया फिर मैं कोई जेठ उठाना शुरू हो गया वो एक सीजन मैं जेठ नहीं उठाया इन्होंने ही गड़ फल दिया 70-80 हज़ार दिन वाड़िया बड़ा जित लिया मेरा दूसरा था कबूतर जित बार बजा क्या बात तो सर जी एक्सपीरियंस ना सीखे हो या उस्तादा के झंडे ही हो क्योंकि बस टाइम इस तरह होंगे उस्तादा तो भी बंदा सुनता है लेकिन जो तजर्बे ना सीख रहा होंगे ना तजर्बा कि कबूतर सानू असी अपने उड़ाने सा बना के कबूतर अच्छे घर चो लियाए शेख रियाज को लिया कि जोड़ा वो कबूतर को बधाए कोई मैं अपने दोस्त पीर चक्री को लिया सा वह कबूतर बधाए तो सर संघ चूर कोबरे के चेचे में कूटते सर उस बावजूद चौरी साहब को टैडी लियाए हैं फिर अलहमदुल्ला फिर टैडी भी अच्छे उड़ते रहे गल हैगी कि कबूतर मैं मूल नहीं जिंदगी लिया पीर चक्री को भी तोहफ़ा लिया कराची को भी तोहफ़ा लिया चौरी ने मैंने तोहफे से मेरा छोटे भाई हार से उन्हें मेहरबानी की मैं 8-10 पट्ठिया पट्ठे कट के देते टैडिया चो टैडिया चो मर्जी का दिते गए भाई ला जा फिर वे भी दो बाद ही चुकाए ने
उड़ान वास्ते भी मैंने दो पट्ठिया पट्टन दिते ने मेरे को उस क्लास ही बैठे जो लोगों के नहीं बैठे मेरे को दस नंबर पहले ही शाम छे सत्त बजे गल कबूतर मैं बड़े बड़े यानी कि अपने घर के पौधे उड़ा के मजा लिया मैं किसी पर डिपेंड नहीं सा करता ना किसी को बच्चा लाके छाते छड़ना डिपेंड से नहीं। अच्छा तुसी पुराने सारे कबूतर वेखे ने चोई साहब वाले मैरा वाले मियाँ साहब वाले फिर कसूरीए सियालकोटीए जी 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 हूँ अगर तुसी नैट पर वेखते हो या किसी को जाके वेखते हो फर्क तो पै गया होना लोग झूठ बड़ा बोलते हैं कबूतर बाद 90% झूठ बोलते हैं जोड़ा दर भी लिया कहते फलाने वाला है वो एवं अंदाजे ही कहते फलाने वाला है अंदाजे असी जो कबूतर को उछा लिया है ना अज तक वह ही ना रखे मैं कराची कुछ लाल अखा लिया कोबरे कहने कराची वाले उस साल उन्होंने चीना है उन्हें ना कोबरे रखे मैं अज भी यही कहना मेरे कोबरे ने तो मैं भी जो को पूछे ना कितों लेने कराची मंगाए सर फला बंदे को मैं कभी नहीं मैं कोई मैं जल चोरी को लेने मैं चोरी वाले ही कहना वो मैं मेरे तो अपने है ही नहीं मैं कह जी मेरे घर के ने हाँ अगों जो बनाए ने मैं अजे भी कहना कबूतर मैं चोरी को लिया सर कोई कबूतर मैं नहीं पट्टी को लिया रहा वहाँ अच्छे कबूतर छत वाले लिया अपना डब वाले लिया चीने लिया अच्छे तो अच्छा कबूतर मैं नहीं पट्टी साहब को लिया हाँ क्योंकि मेरा उन्होंने बड़े भाई ना रपण बना है मोहम्मद अहमद पट्टी साहब का तालुक है मेरा घर भी आन जान से हूँ भी जान आने का अल्लाह का बड़ा करम है मैं कबूतर हूँ नहीं कभी लिया नहीं मैं मेरा सवाल थी कि हूँ तो कबूतर जो पिछले कबूतर जो कोई फर्क वेख दे फर्क है कि लोगों ने हम बड़े अच्छे कबूतर बना लते हैं हूँ उड़ान वाले भी बड़े अच्छे कबूतर उड़ान डे ने क्योंकि हम कबूतरबाजी वे हथ चली गई माड़िया को नहीं रही जड़िया भी छत्त ना वाल आन डी सारे वे बंदे ने कोई माड़ा कबूतरबाज नहीं गा उन्होंने सही गल मिठू लाली हो गया या फलाना हो गया जिन्हें हूँ उतो मरदान तो बाजिया जीतिया कोई छोटे मोटे बंदे नहीं जितते वे बंदे ने जो पैसा के बंद जीते पे जिन्होंने पैसा का कबूतर ले असी तो अपने बना सवार के उड़ाने हूँ ही अपने बना सवार के उड़ाने हूँ भी दो तवारा मुंडे ने कप चुके अपने घर के उड़ाए ने अपने घर के उड़े ने अपने घर के पहला की है कि सानू यह मजा नहीं गा कहीं बच्चे लिया के छड़िए फलाने मेरी छत बच्चे कली ना क्यों अभी आप क्यों ना छड़िए अपने छड़ के मजा ले एक चीज है शाह जी लेकिन तुम प्योर कबूतर वेखे इन्हें लाल अखा वाले मगर जिन्होंने कह लो डब वाले कह लो जी जी मिसे कह लो टैडी कह लो फिर छत वाले कह लो जी जी सियालकोटी तरस दे भी हूँ कोई प्योर कबूतर किसी छत नजर आंदा हाँ नहीं पट्टी को अच्छे कबूतर है लाल अखा वाले लाल अखा उन्होंने को चीने बड़े अच्छे ने उन्होंने को नीले बड़े अच्छे ने उन्होंने को लमारी वाले बड़े अच्छे ने उन्होंने को अच्छे कबूतर टैडी भी उन्होंने को अच्छे ने टैडी भी अच्छे ने ज्यादा टैडी तुसी ले आए चोई साहब को मैं टैडी सुतो सगी को ले आया मैरा को भी कदी ले आए हां मैरा को मूल ले ने मुफ्त नहीं कदी ले यानी कि दोस्त ले आया ते उन्होंने कहा यार बच्चा पट्ठी बैठा मन दे जा ते ओ मैं पीछे अपने ही पाके थोड़े सीधे पतले कीते ने इना नु अगर मिलाइए या इना दा कंपैरिजन करिए ते कहो जे कबूतर हैगे ने दोवें देखो जी मैरा ने कबूतर भी बहुत अच्छे ने क्योंकि उन्होंने अगर पाकिस्तान के सब तो बोलते पैसे पड़े ते मैरा ने बटे ने वो लिया ही रहे मुल जो चीने लिया तो अठारह हज़ार का भले समय जोड़ा जो भैं कनाल जगह 18,000 की आई थी दो कनाल जगह आती थी एक जोड़ा लैके आते हैं इन्होंने वो को चूनी वाले को चीने ले उदो 22,000 का जोड़ा लिया कम ना किया फिर वापस दे के 2,000 होर दे के व्डा जोड़ा लैन दिया उन्होंने को शाम का गुडे गल है कि इन्होंने पैसे बड़े पट्टे सर जी हजाना कट लिया चलो वो तो बड़े महंगे लाए शोई साहब भी बड़े महंगे खरीद के लियाए लेकिन है टैडी ने दोनों के कोल तो दोनों के कबूतर फर्क है किस तरह फर्क पिया चोरी ने आम मेहनत करके बनाए ने उन्होंने जिस तरह उन्होंने इन्नी मेहनत नहीं की उन्होंने असर रखे ने उसने वो बहुत ही नलाहट वाले ने अखा संगीन ने चोरी के कबूतर ने लाल डोले सन या बहुत जौनसरे निकलते सन हाँ निकलते सन उन्होंने है भी छापदार ने बोस्की बोस्की अखा उलाड़ नहीं ना मसला लेकिन चोरी वाले कबूतर बहुत अच्छे बने भी चोरी साहब ने अली वाले पाए जो चोरी साहब पता उन्होंने की पाया कबूतर बहुत अच्छे बने खड़िया तख्तियां के भैन चूड़ा मोडे व्डे हर चीज वी आम कबूतर को मोडे व्डे हाँ सही गल है तो शाह जी तुसी सारी जिंदगी चोरी साहब वाले या मैरा वाले या सियालकोटी चूहे टाइप रखे हाँ जी जी इन्हों आपस मिला कबूतर कभी खराब नहीं हो
जो खराब होता फिर वो माधी अच्छी लिया के पा के फिर बना लेने ठीक कर लेने। अगर तुसी फर्ज करो ना कोई माधी पाते तो खराबी हल किवें जाते किस तरह के होंगे? तीलियां खराब कर जाते हैं कबूतर, वो आपस ही ब्रीड हो गए खत्म हो जाते हैं, जिसम खराब हो जाते हैं, या कबूतर के वह बाद नहीं लगी जी होनी चाहिए। इस बारे कोई वट सलट बंदा उन्होंने करता रहे थोड़ी बहुत ही ना बार पा के फिर वापस लियाके पा लवो कबूतर फिर बहुत अच्छा रहता। पर पुरजा भी सही बैलेंस रहा कबूतर वैसे भी अच्छा बैलेंस रहा बैलेंस रहा। मिस्त्री वाले कबूतर वेखे सी जी किस तरह के सी? मैं तुम दाना हो मिस्सा फट के लिया तो वाला मिस्सा हले भी तेरे को मौजूद है जी जी डायरेक्ट ले आए हो? नहीं नहीं कबूतर उड़ता है सी, मैं किसी ने पकड़िया मैं उड़ता लिया के आया था। अच्छा हाँ कीमत 10,000 का मेरे शिकर ने लिया तो लिया के मैं दे गया मिस्सा है हाँ मिस्सा है मिस्त्रियों ला मिस्त्रियों का उड़ता भी शाम तक इन्हें च लाल पर भी आते ने और देख लो तुम मैं लिया देख लेना तुम जी पहले शनाख्त दस रहे थे हूँ नहीं वो दस रहे जेडे तुम दसिया कि मिस्त्रियों के मिस्से सन वो सड़े जालदार सन जेड़े बाबे घुल्ले मिस्से सन वो लाल 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 टैप है मैं आखिर नाले खाकी भी कढ़ते सन ए मिस्त्रियों के कबूतर जालदार सन ए असल मिस्सा कबूतरे फट के भी देखो तुम मजा आएगा कबूतर देख के वेख्या मैं पहले ही वेख्या हाँ कमाल है कबूतर उन्होंने रंग है मिस्त्रियों ने अखा भी आई सी हाँ डोरा घट हो गया तेज हो गया हरी सन कबूतर लो जी दोस्तों मिस्त्रियों के मिस्से क्योंकि उस्ताद मोदा साहब ने तो पुराने वेखे हुए हैं ना इन्हों सही पता यदियाँ सात साल यदि अपन परवाना कबूतर दियाँ मिस्से प्योर भी उड़ते हैं जी जी माशा बहुत आला कबूतर है गोश गोश कोई नहीं है अंदर तो स्मार्ट स्लिम कबूतर है एंदी मादी आज एक मगरा जो की नहीं ये भी डब वाले जो तो नहीं है निसी की तो फिर है लिया के लाई है बच्चे एक मिसा कर दी का अपने वर्गा कर लाती है काम तो रुपएगा हाँ बहुत आला मादी लो जी उस्ताद मनजीत सिंह ओजला साहब चेक करो असल डब वाली मादी पुरानी मगरां च ते डब वाले च की फर्क है? डब वाले शेख जफर ने बनाया सन मगर कमानगरां दे घर दे सन कलर दा की फर्क आंदा है अखां दा कलर ओ मिस्से सन ओ लो बी वाले कबूतर सन ਜਿਹੜੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਲਸੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਗਾੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਕੱਚੀ ਔਰ ਕਲੇਜੀ ਮਾਏ ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਮਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਮਗਰਾਂ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਮੋਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਮਦੀਨ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕਮਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਮਗਰ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਫਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਛਾਣਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵੱਡੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੈਨਮਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀ ਦੇ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਹਰ ਭੱਟੀ ਸੁਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਟੈਡੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਿਸੇ ਆਇਆ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ
चौधरी साहब को मिस्से गए सर। चौधरी साहब ने मैनू भी भाई सारे जोड़े मन चुकाते सर, भी भाई जोड़े मन चुकाते सारे मिस्से सारे मिस्से। हाँ उन्होंने जो कि पीस पिया है आस्ता आस्ता मेरे को मैं बनना ही मिले सा मैं आती असी किसी ऐसे ले आया तो वंड मुंड के लाभे किए एक अला जोड़ा रखना था मेरे को बड़ी देर चार दस साल चलते रहे उठते रहे मेरे को खत्म हो गया कबूतर लभ्या फिर लैन का पुटाइयां किस तरह करदे पुराने उस्ताद पुराने तरीके कार तुहाडे देखो जी असीं ते जदों कबूतर अपनी छत ते पुटदे सां थोड़ा बहुत अगले जिंदी कबूतर की पुटाई करनी है नाल कोई छत ते कोई मिठे चौल पका ले जां कोई अच्छी शह बना ले मिठाई लिया है हाँ कुछ चीज को नहीं गुड़ वाले चौल बना ले या जरदा बना लिया कुछ चार दोस्त भी इकट्ठे होंगे जाके पुटाई कर लेंगे। हाँ फिर उन्होंने कबूतर की चार दिन पहले उन्होंने मोटे दाना पाना शुरू कर देंगे सर अगो फिर उन्होंने मोटे दाने ही रखी दा सी जो पुट लेंगे जो पुट लेंगे उस पहले शुरू कर दीता सी ना कबूतर थोड़े वेट सही चुक लैन तो इंशाल्लाह ताला जो बाहर आते हैं फिर जो वेखने के हम उस थोड़ा सियाल ही होंगे नाले ना सी मोड़ शुरू कर देने स थोड़े जो नाले हैगा सी कि जोर च भी कबूतर ज्यादा होंगे और मुलायम भी बड़ा पूरा पर भी पूरे जोर ना कड़ लैंदा इको दो ही पुटते ही सारे जी जी या दस दस कर कई बंदे इस तरह करते सन कि पर पहले पुड़े दुमा बाद ही पुटियां ऐ करते सन दस दस नहीं परियां पहले पुड़ लिया दुमा बाद ही पुड़ लिया जो कहना परियां नहीं आ गई दुमा पुड़ लिया ते तुसी की करदे सी असीं तां इक्को वारी सारे लुंड मुंड कर छड्डदे बटेरा बना लैंदे मतलब करीज नहीं साफ करते असी किसी यखनी यखनी बना के व्डे पा पैंती पानी एक दो बारी आटा गुन के रोटी पानी मैं कहना कबूतर गंजे हो जाते साफ ही बन हो जाते हैं। अच्छा यखनी वाले पाने हाँ ए थोड़ा ए समझाओ करीज नहीं साफ कर रहा तुसी समझ लो कि मैं भी कुछ दिन बाद मेरे को आने ने अरबी हाँ कबूतर करीज च पे हुए तुसी उन्होंने व्डे पा व्डे पाव्या व्डिया हड्डिया की यखनी कट के आटा गुन के भरोए पाओ देना चौदह पंद्रह दिन देख लेना सारे गंजे हो जाएंगे इन्ने जोर च हो जाएंगे कबूतर ये बंदा एडी तगड़ी खुराक खा के तो पूरा मुकम्मल ग्रीस करके फिर अच्छे वाल ले आएंगे पर पूरे पूरे बाल ए वन आएंगे पर चार पांच दिन ग्रीस कर जाएंगे साफ किन्ने दिन हो जाएंगे तुम दसिया ना फिर आस्ता था पर चार दिन बाद कुदर निकलते भी रहते हैं ना छेती कर जाते हैं फिर छेती कर जाते तैयार हो जाते नहीं तो अच्छा मेरा एक कुकड़ है जी जी मैं थोड़ा बहुत कुकड़ा का भी शौक कर लें जी जी करीज पिया हो लेकिन पर नहीं नवे कटता पे ताकतवर चीजा तो दवाइया भी दी मेडिसिन वाली नहीं नहीं थोड़े भोरे पाओ किसी घर को हांडी चंकी पकाते यखनी कट के दो तीन हड्डिया की भोरे पा के देखना कटदा कि नहीं कटता सारिया मादिया भी देड़ छड़ेगा अच्छा जी तैयार हो जाएगा हाँ जल्दी लैस हो जल्दी लैस हो जाएगा। अच्छा कबूतरां नूं लैस पहले ही कर लेना चाहिए सीजन तो डेढ़ दो महीना पहले बाहर होने चाहिए ना नहीं देखो जी जिस जिस मौसम में पुटाइयां आदियां उस मौसम में पुटाइयां अच्छी लगदियां अच्छा जो लोग एडवांस पुट लैंदे ने उन्होंने फिर चेतर भी खेडना है विसाख भी खेडना है जेठ भी लगता जो जेठ आने वो जेठ के हिसाब से पुटते हैं जो चेतर विसाख खेडना वो चेतर विसाख के हिसाब से पुटते हैं डबल पुटाई हो जाती है ना कई पहले अगेतरी पुटते हैं कई आगे फिर जेठ वास्ते बाद ही पुटाई करते हैं कुछ उस्ताद या कुछ लोग करते हैं जल्दी पुट लेंगे कि यार साढ़े कबूतर फिरत ज्यादा आन गई गंदा मैं कुछ भी नहीं होंगे की होंगे कितनी फिरत आ जाएगी असं यह भी बंदे वेखे कि सौ कबूतर पे है पहले पचास कबूतर दड़बियों लिया के छड़ लेंगे कहना जो शायद कुछ चंगा निकला है तो यह भी तो लोग कर लेंगे पैसे वाले बंदे बथेरे पापड़ वेलते हैं लेकिन जो तुम अपने आप देखो कमांडे या तुम अपने आप कॉन्फिडेंस तो फिर तुम अपने कबूतर की सेवा करो पुटाई करो उन्होंने अच्छी चीजा पाओ तगड़े हो गए इंशाल्लाह छेती साफ हो गए जरा माड़े हो गए तो सारे पर खराब हो जाएंगे अगर तुहाडे को कमी पेशी हो गई तो पुटाई के दौरान केड़ी खुराक देनी चाहिए बेस्ट की मोटा दाना ही गया जी दूजे तीन भोरे पाओ घ्यो वाले देसी घ्यो वाले हाँ देसी घ्यो वाले भोरे पाओ मक्खन वाले पाओ ताकतवर गजा दो नाल मेडिसिन पाना तो टैलो वर्सा सोमा डग का पाउडर पाई जाओ पीला पाउडर हफ्ते दो दिन पाओ लाल पाउडर रेगुलर पाओ बहुत
ਕੱਢਨੇ ਸਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਸ ਹੋ ਮੈਂ ਸਰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਟਾਂਗ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਨਦਾ ਤਾ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਜਾ ਵੜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਸੁੱਜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਟਿੱਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਜੀ 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 ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਹਾਂ ਉਹ ਮਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਾਰੀ ਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਛਾਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮੁਨੱਕਾ ਅਤੇ ਛਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਾਣੇ ਛਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋ ਮਨੱਕੇ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਜ ਉਹ ਮਜੂਨ ਟੈਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੋਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਡਾਨੇ ਆ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਅੱਸੂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗਾ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਰੋਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਡਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵਰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਪਲਟਾਣਾ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕੋ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 45-46 ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਗਰਮ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਟੋਟਲ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲੈਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਟੋਏ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆ ਰਹੇ ਬਾਊ ਲੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬਾਊ ਟੋਏ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਾਊ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੁੰਦੇ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇੰਜਨ ਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸੋ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਆਂ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਗੁਜਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਟ ਸਲਟ ਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾ ਲਈਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਜੂਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਿੰਗਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਦੇਸੀ ਵਲੈਤੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਵਲੈਤੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਤਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਤਰੇ ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਗਾ ਨਿਕਤਾ ਮਾਇਡ ਆਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਚੈਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਡੈਕਾਡਰਾਨ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੀ ਉਹੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕਾਡਰਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਿਕਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਪਾਈ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜੂਨ ਮਜੂਨ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਣਾ ਉਹ ਐਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 500 ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਾਸੁਬ ਹੈਗਾ ਮੋਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਸਟਮ ਕਬੂਤਰ ਓਵਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ
देखो जी अगर ताडे कबूतर डाह करते हैं या गर्मी महसूस करते हैं तो लोग जगह कबूतर साढ़े चिमटा खोलते हैं या तल हो असं फिर उन्होंने कुछ गाई लगड़ के माड़ी मोटी पाने कि चल यार है अपने तुलते आ जा। कई बार मेरे शिगिरद आए ने एक मेरे शिगिर ने पता नहीं की दे के कबूतर उड़ाते किसी को उडवालते वो मुंडा अपना को बहन वाला है वो कबूतर ही उड़ना बंद हो गए साड़ ही गए वो मेरे को आगे रोवे ए पिछे मुंडा लताब लताब ताफा ताफा है बाजिया तगड़िया लगी हम 18-20 घर फिर अगली दुआर असं आप गए मैं सब तो पहले सरदाई लगड़ के पाई। अच्छा तुम भी सरदाई देंगे हो दी मैं बनाई ना मैं आप भलवान सा मैं भलवानी अपने टाइम वेटलिफ्ट ही करना भलवानी भी करना फिर मैं सरदाई लगड़ी मतलब सरदाई जरा पतली करके फिर तुम दी दी कबूतर मेरे अगले दिन रेस्ट की तीजे दिन कबूतर डैने आ गए 12-1 बजे से अपनी सलीब से आ गए अगली फट दी उस बाजी पैने फिर 5-6 बजे बैठे जाके ठीक हो गए यानी कि गल है कि फिर थोड़ी कबूतर सोचो दोगे तो इंशाला तला अच्छा कबूतर निशानियां देता है कुछ ठंडा होया भी निशानियां देता है तलख भी निशानियां देता है उन्होंने फड़न वाले कबूतर बाद है उनकी तबीयत में समझ गल नहीं समझेगी मैं हम गल करा गल बड़ी दूर।